हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं एलगी से जुड़ा हुआ एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम एलगी से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, वो सभी पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। और आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो फंजाई हो, एलगी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, उनमें जितने भी टॉपिक इंक्लूड रहते हैं वो आपके बीएससी नहीं, आपके पीजी लेवल अर्थात एमएससी के लिए भी होते हैं। तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो या फिर आप पीजी के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये सभी वीडियो हेल्पफुल है, आप इनके हेल्प ले सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये केवल बीएससी लेवल के लिए ही है, ये दोनों लेवल पे अर्थात यूजी और पीजी दोनों के लिए ही इनफ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का लेक्चर है जनरल कैरेक्टर ऑफ एलगी। तो इस वीडियो में हम एलगी के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इनके कैरेक्टर के अलावा एलगी से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन को जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल इनसे भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे एलगी के जनरल कैरेक्टर की। द स्टडी ऑफ एलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो एलगी के अध्ययन को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी क्यों कहा जाता है, कि जो कि फाइकोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना होता है, जिसमें कि फाइकोस मीन्स होता है सी वीड और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। अर्थात जो एलगी होते हैं वे सभी जनरली आपके समुद्रों से मैक्सिमम पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है, और इसलिए इनके अध्ययन को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस एंड ऑफन इज रिगार्डेड एज सब डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी। तो जो फाइकोलॉजी है इसे एक तरह से हम विज्ञान की एक शाखा कह सकते हैं, या फिर वनस्पति विज्ञान का एक अलग विषय भी कह सकते हैं। एल्गी आर इम्पॉर्टेंट प्लांट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। वही शैवाल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है। तो यदि आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने इकोसिस्टम में देखा होगा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में यूज होता है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड, दैट मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड एंड लैक वस्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रॉफिक। तो वही बात करें, जो शैवाल होते हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है कि जब किसी भी प्लांट के जो रूट, स्टेम और लीफ है, ये स्ट्रक्चर का डिफ्रेंशिएशन न हो तो उसे हम बोलते हैं थैलॉइड। तो आप लोगों ने शैवाल में देखा होगा जितने भी एल्गी हैं उनमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं होता, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलॉइड कहते हैं। और इसके अलावा इनमें जो वस्कुलर टिश्यू होता है, डैट मीन जाइलम और फ्लोएम, ये एब्सेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। नेक्स्ट है मोस्टली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। ये अधिकतर जलीय होते हैं, अर्थात ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर अर्थात समुद्र के जल और जो स्वच्छ जल है इन सभी में पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है अदर हैबिटेट लाइक मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड एंड एसोसिएट विथ फंगल, दैट्स मीन लाइकेन एंड एनिमल, फॉर एग्जाम्पल स्लोथ बियर। जलीय जीवन के अलावा ये अधिकतर मॉइस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे पाए जाते हैं, लकड़ियों पे भी पाए जाते हैं, और जनरली कभी कभी ये फंगस के साथ भी जुड़े होते हैं, जैसे कि सिम्बियोटिक फॉर्म में ये लाइकेन में पाए जाते हैं। वही कुछ एल्गी जो होते हैं एनिमल के ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर। वही बात करें हम इनके रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके से होता है। वेजिटेटिव आपके प्रायः फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमिट के फ्यूजन के थ्रू होता है। द गैमिट्स मे बी आइसोगैमस, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एनाइसोगैमस एंड ओगैमस इन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। यदि हम बात करें इनके गैमिट के फ्यूजन की, तो यदि जो गैमिट फ्यूज करने वाले होते हैं अगर वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम आइसोगैमस, जैसा कि क्लेमाइडोमोनास में होता है। वहीं अगर वो मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं गैमिट, तो उसे हम बोलते हैं एनाइसोगैमस।
और ओ गैमर्स में क्या होता है कि एक जो गैमिट होता है जनरली मेल की तरह बिहेव करता है वो मोटाइल होता है, जबकि जो लार्ज गैमिट होता है वो फीमेल की तरह बिहेव करता है, और जो मोटाइल वाला गैमिट होता है फीमेल के पास जाता है, और ऐसे फ्यूज़न को हम बोलते हैं ओ गैमर्स टाइप। और इस तरह का रिप्रोडक्शन प्राय वॉलवॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। तो इस सब के जो टाइप्स है या रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, आगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। द सेक्स ऑर्गन्स आर जनरली वन सेल्ड विदाउट एनी स्टेराइल जैकेट। तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जनरली वन सेल होते हैं और इनके चारों तरफ कोई जैकेट नहीं पाए जाते, जैसा कि ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेटिक फ्यूज़न। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि जब गैमिट के फ्यूज़न होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जायगोट बनता है और जायगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन एल्गी में और फंजाई में इनमें गैमेटिक फ्यूज़न के बाद कोई भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर फाउंड। वही बात करें सहवालों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, अर्थात पीढ़ी एकांतरण की, तो इनमें ये दिखाई देते हैं पीढ़ी एकांतरण। और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि जब किसी भी पौधे के लाइफ में जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में एक के बाद एक आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस प्रकार का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो एल्गी में पाया जाता है। तो किस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं, तो जब हम आगे एल्गी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। एफ ई फ्रिच इज नोन एज फादर ऑफ एल्गी। तो सहवाल विज्ञान के जो जनक है वो एफ ई फ्रिच को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो एफ ई फ्रिच को फादर ऑफ एल्गी अर्थात सहवाल विज्ञान का जनक मानते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। एफ ई फ्रिच इन 1935 डिवाइड एल्गी इनटू फॉलोइंग 11 क्लासेस इन हिज बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड एंड फ्लैजिलेशन, थैलस स्ट्रक्चर, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, सो दैट दे आर नोन एज फादर ऑफ ऑल एल्गी। तो एफ ई फ्रिच की बात करें तो उन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में जितने भी एल्गी हैं उन्हें 11 क्लास में बांटा था, और उनको 11 क्लास में बांटने का जो मेन क्राइटेरिया था या मेन पॉइंट था वो था पिगमेंटेशन, मतलब सवाल में किस तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, किस तरह के रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, उनमें किस प्रकार की फ्लैजला होती है, और उनके थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके मूड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, और किस प्रकार के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने एल्गी को 11 क्लास में बांटा था, और इस वजह से ही इन्हें फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइकोलॉजिस्ट है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम M.O.P. अयंगर की, जिनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1886 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1966 में, और ये एक भारतीय थे। M.O.P. अयंगर वाज ए प्रोमिनेंट इंडियन बॉटनिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट हु रिसर्च द स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एल्गी। तो बात करें हम M.O.P. अयंगर की, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय बॉटनिस्ट और एक तरह से फाइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सवालों के रिप्रोडक्शन, उनके वर्गीकरण तथा उनके जो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इन पर रिसर्च किया। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी और फादर ऑफ एल्गोलॉजी इन इंडिया। इन्हें भारतीय सवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ फाइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ही प्रिमिलरली स्टडी स्पायरोगरा। ही इज प्रोमिनेंट फाइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। वह भारत के फाइकोलॉजिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे, और उन्होंने सबसे पहले स्पायरोगरा पे अध्ययन किया था, और ये भारत के सबसे प्रसिद्ध फाइकोलॉजिस्ट में से एक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइकोलॉजिस्ट की ओर, लेमरेक्स एंड विलियम हेनरी हार्वे टू क्रिएट सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग विद इन द एल्गी। हार्वे हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी इन पार्ट फॉर हिज डिवीजन ऑफ द एल्गी इनटू 4 मेजर डिवीजन बेस्ड अपॉन देयर पिगमेंटेशन। वही बात करें हम लेमरेक्स और विलियम हेनरी हार्वे ने एक सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग की थी, मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था एल्गी को डिवाइड करने में, उनको
ग्रुपिंग करने में, और हार्वे को आधुनिक शैवाल विज्ञान का फादर कहते हैं। याद रखिएगा, हार्वे को आधुनिक शैवाल विज्ञान का फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जितने भी एल्गी थे उन्हें पिगमेंट के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, मतलब इन्हें 4 डिवीज़न में बांटा था। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो और किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।